नमस्कार शिशु वर्ल्ड में आपका स्वागत है मैं हूँ प्रिया और आज जिस टॉपिक पर हम बात करेंगे वो है कि पाँच से छः महीने की उम्र में जब शिशुओं को हम सॉलिड फूड कैसे इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके बारे में हमने पहले भी बात की है और मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आए थे कि प्लीज़ आप ये वीडियो या ये जो टिप्स हैं इन्हें हिंदी में भी दीजिए तो आज का वीडियो हमारा हिंदी में है और हम बात करेंगे कैसे बच्चे को हम क्या हमें देना चाहिए हमें क्या नहीं देना चाहिए कितनी क्वांटिटी देनी चाहिए दूध कितना होना चाहिए क्योंकि इस एज में जब बच्चा शुरू करता है तब बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं फ्यूचर के लिए तो बस शुरू करते हैं हम आज का वीडियो तो सबसे पहले एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि बच्चे को आप छः से छः महीने के करीब करीब उम्र हो जानी चाहिए बच्चे की तब आप सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस करें बहुत सारे लोग बोलेंगे कि तीन महीने में कर दिया था या चार महीने में कर दिया था पर एक जो साइंटिफिकली या जो डॉक्टर्स एक्सपर्ट्स जो रेकमेंड करते हैं वो ये है कि अगर आपका बच्चा अपने आप बैठने लगा है सीधा बैठने लगा है इसका मतलब है कि वो सॉलिड फूड खाने के लिए प्रिपेयर्ड है तो अगर आपका बच्चा बहुत छोटा है और आप कई लोग ऐसा करते हैं कि कुछ बना के बॉट फीडिंग बॉटल में भर के दे देते हैं बच्चे को सॉलिड फूड तो वो बहुत ही डेंजरस हो सकता है उससे चोकिंग भी हो सकती है तो प्लीज़ वो सब चीज़ें ना करें जब बच्चा इट्स लायक हो जाए बैठने लगे तब आप उसको धीरे धीरे सॉलिड फूड इंट्रोड्यूस कर सकते हैं तो और उस एज तक जो आप ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं या फॉर्मूला फीडिंग कर रहे हैं जो भी आपने और आपके डॉक्टर ने मिल डिसाइड किया है जिस भी परिस्थिति में वो ही उसकी बॉडी के ऑप्टिमम ग्रोथ के लिए बिल्कुल करेक्ट है बिल्कुल सही है उसको आपको ज़बरदस्ती सॉलिड्स देने की कोई ज़रूरत नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग या ब्रेस्ट मिल्क जो होता है वो सबसे ज़्यादा बैलेंस्ड फूड होता है एक बच्चे के लिए तो अगर आप उसको उस एज में कम करके सॉलिड देना शुरू करेंगे तो आप उसका नुकसान ज़्यादा कर रहे हैं तो इसी वजह से बोला जाता है कि बच्चा जब आई थिंक करेक्ट एज है करीब साढ़े पाँच से छः महीने के बीच में आप धीरे धीरे शुरू कर सकते हैं अब ये बात आती है कि हम कैसे शुरू कर सकते हैं तो सबसे पहले आप फ्रूट प्यूरी दे सकते हैं या अगर आप चाहें तो वेजिटेबल प्यूरीज दे सकते हैं सीरियल्स भी दे सकते हैं किसी भी तरह से आप शुरुआत कर सकते हैं मैंने मेरी बेटी को सबसे पहले एक बनाना प्यूरी या केले की प्यूरी दी थी बहुत ही आसान है बनाना थोड़ा सा आ, केले को लेके उसको बिल्कुल मैश कर दीजिए या अगर आप चाहें तो मिक्सी में उसको एकदम पेस्ट बना दीजिए थोड़ा सा दूध डाल के पतला सा पेस्ट या प्यूरी बना के और बच्चे को थोड़ा थोड़ा दे सकते हैं जब आप पहले दिन दे रहे हैं तो प्लीज ये बिल्कुल उम्मीद मत कीजिए कि बच्चा बहुत सारा खा लेगा एक चम्मच भी अगर वो खा ले तो बहुत बड़ी बात है क्योंकि आप बस उसको एक नई चीज़ टेस्ट करा रहे हैं आप उसको एक नया टेस्ट दे रहे हैं जो उसने अभी तक कभी नहीं किया है तो अगर वो खाता है थोड़ा सा भी और ईगर दिखता है अगर वो खुशी खुशी खा लेता है बच्चा तो दैट इज़ अ सक्सेस इन इट्सैल्फ फिर जब सपोज आपने आज केले की के प्यूरी दी तो अगले दो तीन दिन तक आप सेम खाने दीजिए एक ही दिन में एक ही बार दीजिए और सुबह के टाइम दीजिए ताकि अगर कोई रिएक्शंस हो या रैशेज हो तो आप बच्चे को तुरंत डॉक्टर के पास ले जा सकते हैं अगर आप रात को कुछ भी नया चीज़ इंट्रोड्यूस करेंगे तो हो सकता है कि आपको परेशानी हो डॉक्टर से मिलने में या किसी और तरह की हेल्प के लिए तो इसलिए हम इसे थ्री डे रूल भी बोला जाता है कई लोग आजकल कई लोग कहते हैं कि कोई जरूरत नहीं है इसे फॉलो करने की बट लॉजिकली अगर आप सोचो तो अगर आप दो से तीन दिन करोगे कोई भी चीज को फॉलो फिर आप नई चीज दे रहे हो तो इट्स आपको पता होगा कि कौन सी चीज है जो बच्चा बच्चे को सूट कर रही है और कौन सी चीज नहीं सूट कर रही है तो जब जब आपने कोई चीज दे दी और बच्चे ने उसे सेफली ले लिया है तो आप बस उसके बाद में उसको आपको पता है कि अब ये सेफ है तो आप उसे कभी भी दे सकते हैं तो पहले दिन आपने केला दे दिया दूसरे दिन आपने एप्पल दे दिया उसके बाद अगर आप चाहें तो फिर से एप्पल दे सकते हैं क्योंकि आपको पता है वो सेफ फूड है इसके अलावा आप आ, कौन एवोकेडो दे सकते हैं बच्चे को आ, इस एज में बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए जब आठ महीने के करीब तो आप आम भी दे सकते हैं पपाया दे सकते हैं छोटे बच्चे को बहुत चीकू दिया जा सकता है बहुत ही आसानी से ये छः महीने के बच्चे को आप दे सकते हैं इसके अलावा बात आती है क्या नहीं दें तो बोला जाता है कि सिट्रस फ्रूट्स या जैसे संतरे हैं नींबू है ये जो फ्रूट्स हैं इनको नहीं देना चाहिए छोटे बच्चों को क्योंकि इनसे डायपर रैश कभी कभी ज़्यादा एग्रवेट हो सकता है तो अगर आपके बच्चे को शिकायत है तो हो सकता है उसे और ज्यादा परेशानी हो तो इसलिए वो मत दीजिए Uh, दूसरी चीज़ें आती हैं uh, सब्जियाँ कि सब्ज़ियाँ कैसे इंट्रोड्यूस करें तो फिर सिवाई क्योंकि छह महीने का बच्चा बहुत ही छोटा है तो uh, आप सब्जियों की प्यूरी बना सकते हैं uh, जो सब्जियाँ आप आसानी से दे सकते हैं वो हैं uh, गाजर या मटर uh, स्वीट पटेटो या शकरकंद uh, या कद्दू लौकी ये सब बहुत ही हल्की माइल्ड सब्जियां हैं जो इजीली दी जा सकती हैं आलू भी दे सकते हैं आप हमने एक वीडियो बनाया था जिसमें छह सब्जियों की प्यूरी का वीडियो है बहुत ही पॉपुलर वीडियो है तो अगर आप कंफ्यूज हैं कि कैसे बनाएं कैसे दें तो आप प्लीज़ वो वीडियो फॉलो कीजिए मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी ऐसे ही सब फल की प्यूरी का भी वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं तो और कौन सी सब्जियां हम नहीं दें वो हैं जैसे गोभी है ब्रोकली है ये सब सब्जियों से कभी कभी गैस की दिक्कत हो सकती है तो आप मत दीजिए ये वाली सब्जियाँ उनको आ, जब थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए आठ महीने नौ महीने का तब आप दे सकते हैं इसके अलावा आप बच्चे को दाल का पानी दे सकते हैं बहुत ही कॉमन है और भारत में तो बहुत ही आ, हमेशा ही रेकमेंड किया जाता है कि बच्चे को शुरुआत में दाल का पानी दीजिए नौ इस आ, के लिए जो आप दाल इस्तेमाल करें मूंग की दाल का कर इस्तेमाल करें क्योंकि मूंग की दाल बहुत ही हल्की होती है पचाने में भी आसान होती है तो बच्चा इसे आसानी से ले सकता है और दाल का पानी का मतलब ये नहीं है कि आपने दाल के ऊपर ऊपर से पानी निकाल दिया वो नहीं होता हमने दाल का पानी कैसे बनाएंगे वो भी एक वीडियो दिया है उसको मैश करके ताकि थोड़ा सा न्यूट्रिशन भी जाए खाली आप पानी पानी नहीं देना चाहते और जब आप बच्चे की दाल बनाएंगे तो उसमें नमक नहीं डालिए बच्चे के खाने में नमक चीनी एक साल तक अवॉइड कीजिए प्लीज़ और बच्चे को ऐसा बिल्कुल नहीं लगेगा कि मुझे नहीं अच्छा लग रहा खाना क्योंकि उसको पता ही नहीं है नमक का स्वाद क्या होता है तो उसको नेचुरल जितना आप देंगे उतना अच्छा है और ये सच में इफेक्ट करता है मेरी बेटी को मैंने बिल्कुल ये फॉलो किया था और आज की डेट में उसे बहुत ज़्यादा मीठा या बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है वो हल्का घर का खाना उसे ज़्यादा अच्छा लगता है तो तो कहीं ना कहीं चॉकलेट्स उसे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है तो छोटे से ही अगर आप थोड़ा सा ये हैबिट्स डालेंगे ये मत सोचिए कि खा नहीं रहे तो ठीक है कुछ भी जंक खिला देते हैं थोड़ा सा आपको भी पेशेंस रखना पड़ेगा पेरेंट हुड इज़ नॉट एन ईजी थिंग मगर जहाँ आपको पता है कि जो आप कर रहे हैं वो बच्चे के लिए सही है तो आप प्लीज़ वो ही फॉलो कीजिए तो आप, दालें जैसे अब अरहर की दाल है या तूर की दाल जैसे हम बोलते हैं चने की दाल है जो थोड़ी सी मुश्किल होती हैं बचाने में उनको इस एज पे मत दीजिए थोड़ा और बड़ा बच्चा हो जाए तब आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं इसके अलावा सूजी बहुत अच्छे से आप दे सकते हैं बच्चे को सूजी की हमने बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की हुई हैं सूजी का उपमा सूजी का हलवा आसानी से एप्पल सूजी खीर हमने बनाई थी एक बनाना केले और सूजी का हलवा बनाया था तो आप वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं हमने बहुत सारे सीरियल्स भी यहाँ पे शेयर किए हैं जैसे खिचड़ी का सीरियल दाल और चावल मिला के राइस सीरियल, फिर मल्टीग्रेन सीरियल, देन पफ राइस सीरियल तो ये सब आप बना के आप पैकेज सीरियल की आपको ज़रूरत भी नहीं है अगर आप ट्रैवल भी कर रहे हैं तो भी आप इनको बना के बच्चे के लिए यूज़ कर सकते हैं फिर इसके अलावा खिचड़ी आप बच्चे को बना के दे सकते हैं जब बच्चा सिंपल प्यूरीज खाने लगे तो दाल और चावल मिला के आप खिचड़ी बना दीजिए उसमें जो चाहे सब्जियाँ भी डाल सकते हैं आप अच्छे से मैश कीजिए और दे दीजिए बच्चे को और एक चीज़ है कि जब बच्चा सात साढ़े सात महीने का हो जाए तो धीरे धीरे उसका खाना प्यूरी करना बंद कर दीजिए उसको मैश करना शुरू कर दीजिए आप पूरा बड़ा बड़ा तो पीस नहीं देंगे बच्चे को लेकिन चम्मच फोक की सहायता से उसको थोड़ा मैश करके बच्चे को दे और सॉफ्ट पका हुआ होना चाहिए तो उस खाने में ऐसा नहीं है कि उसके दांत नहीं है तो वो नहीं चबा पाएगा अगर सॉफ्ट खाना है तो आसानी से उसको चबा के ले सकता है कोई परेशानी नहीं होगी और इससे क्या होगा कि बच्चे को चबाने की आदत हो जाएगी नहीं तो अगर आप वही प्यूरी देते रहेंगे ना तो बहुत पेरेंट्स से आप की बातचीत होगी मेरी मेरे पास बहुत सारी मेल्स आते हैं कि दो ढाई तीन साल तक के बच्चे भी ही खाना चाहते हैं क्योंकि उनको आदत नहीं उसको वही आदत है कि उन्हें एकदम पेस्ट वाला खाना या पिसा हुआ प्यूरी वाला खाना पसंद है तो शुरू से ही थोड़ा थोड़ा ताकि उनको चबाने की आदत उनको जॉस की हो जाएगी इसके अलावा और क्या अवॉइड करना है डेयरी प्रोडक्ट्स अवॉइड कीजिए प्रोसेस्ड फूड अवॉइड कीजिए इस इस एज पे छः से आठ महीने की एज पे, फिर उसके बाद आप सिट्रस फ्रूट्स की हमने बात की कोई भी स्पाइसी खाना ज़्यादा मत दीजिए इसमें थोड़ा बहुत स्पाइसेस आप यूज़ कर सकते हैं जब बच्चा आठ महीने तक का हो जाएगा कोई भी बड़ा हार्ड खाना मत दीजिए इस एज में जिससे वो चोक कर सके या इस तरह की कोई भी चीज़ ना दें। अगली चीज़ आती है दूध तो दूध क्योंकि बच्चे ने सॉलिड शुरू कर दिया हम कितना दूध दें कैसे दें कब कब दें ये बहुत कॉमन क्वेश्चन हैं तो जब बच्चा छः महीने का है तो आप बस टेस्ट के लिए बच्चे को दे रहे हैं बच्चा एक चम्मच दो चम्मच खा रहा है तो उसकी अभी भी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स जो हैं वो सब दूध से ही पूरी हो रही है तो इसलिए ये मत सोचिए कि अब बच्चा खाने लगा है तो अब उसको सॉलिड ज़्यादा खिलाना है दूध कम कर देना है ऐसे uh, मत कीजिए आप लेकिन आप क्या कर सकते हैं आप पहले सॉलिड दे दीजिए और उसके बाद में दूध दें क्योंकि अगर आप दूध पहले दे, दे देंगे तो बच्चे का पेट पहले ही भरा हुआ है फिर वो सॉलिड्स खाना पसंद नहीं करेगा तो आप पहले सॉलिड्स खिला दीजिए और फिर उसके बाद में दूध दीजिए uh, और एक और चीज़ है कि uh, दूध uh, लगभग अगर आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हैं तो बच्चा जो भी चाहे उस हिसाब से आप बच्चे के क्यूज़ फॉलो कीजिए लेकिन अगर आप बॉटल फीडिंग करते हैं तो uh, कहते uh, एक साल की एज तक ट्वेंटी फोर टू थर्टी टू बोला जाता है जैसे सेवन फिफ्टी एम टू वन लीटर इज वॉट अ चाइल्ड नीड्स जो uh, दूध की क्वांटिटी होती है तो uh, एक बॉटल अगर आठ आउंस की बॉटल uh, आप देते हैं बच्चे को तो करीब तीन से चार बॉटल तीन से चार बार में आप दे सकते हैं फिर नेक्स्ट चीज़ आती है कि खाना कितनी क्वांटिटी दें तो खाना बिल्कुल यहाँ पे आपको जो बच्चा जैसे खाना चाहता है आपको वो फॉलो करना चाहिए अगर उसको पसंद आ रहा है तो आप दे दीजिए अगर नहीं पसंद आ रहा है तो आप कुछ दिन अवॉइड कर लीजिए कुछ नई चीज़ वो दे उसको फिर और जैसे लगभग आप कह सकते हैं जैसे छः से सात महीने का बच्चा दो से तीन चम्मच थोड़ा बाद में अगर एकदम शुरुआत है तो एक चम्मच और पंद्रह दिन बाद बीस दिन बाद आप देखेंगे दो चम्मच तीन चम्मच तक खा सकता है बट ये एक्सपेक्ट मत कीजिए कि आपने एक कटोरी पूरा बनाया है तो बच्चा सारा का सारा खा लेगा वो नहीं होता है वो पॉसिबल नहीं है उनका बहुत छोटा पेट होता है और वो एक दो चम्मच में ही भर जाता है हाँ, फिर है अगर आठ महीने तक आता है तो आप देखेंगे करीब एक जो कटोरी होती है या एक नॉर्मल बोल होता है उसका आधा से थोड़ा ज़्यादा मे बी आधा से टू थर्ड तक बच्चा खा सकता है सो so, आशा है कि ये सब टिप्स आपको पसंद आई आपको हेल्प करेंगी और ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और अगर आपके कोई और क्वेश्चंस हैं अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो प्लीज कमेंट करके हमें बताइए कि आप जो भी आप जानना चाहते हैं विल ट्राई आर बेस्ट टू आंसर योर क्वेश्चंस और डू लेट मी नो कि आपको और क्या देखना है और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है हमें तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हम आपसे बहुत जल्दी फिर मिलेंगे प्लीज़ 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 प्लीज, लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच बाय बाय